सुनो ना, आई नीड योर हेल्प विद दीज बुक्स। ऑन अ कॉल। तुम किससे बात कर रहे हो? फ्रेंड। क्यों? फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? आई विल कॉल यू बैक। हाँ, अभी तक तो फ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। लेकिन बिफोर एनीथिंग उसे मुझे मिलाओ। व्हाई? बिकॉज़ मुझे देखना पड़ेगा कि वो सही है तुम्हारे लिए कि नहीं, ठीक ठाक है कि नहीं। तुम हंसते रहे हो? और कुछ नहीं यार, मुझे ना एक कहानी भी याद आ गई इसी बात से। कौन सी कहानी? द प्रिंसेस एंड द पी। नॉट दैट पी, आई मीन ये एक प्रिंस की कहानी है जहाँ उसकी माँ उसकी शादी करवाना चाहती है एक प्रिंसेस से। प्रिटी ऑब्वियस। मैं कोई मम्मी मम्मी नहीं हूँ। तो तुम्हें मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों? मेरी लव लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों? इट्स नॉट अ लव, बेसिकली तो माई कहानी, आई लव योर स्टोरी। सो तुम ये कहानी अपने सर पे सुनाओ ना प्लीज। ओके। सो नेक्स्ट इज, हाँ यू कम। Your name, please? Hi, I'm Tiasha. So, आपकी खासियत क्या है टियाशा? मैं सिंगर हूँ। सिंगर? So, sing for us. Have a seat. लड़की सही है ना यार? ऐसी लड़कियां और होती ना कॉलेज में, तो अपने अटेंडेंस और परसेंटेज दोनों अपने आप ही बढ़ जाते। मैं क्या बोलता हूँ, चल फिर इसके साथ किस प्रैंक किया जाए क्या? आइडिया बुरा नहीं, चल करते। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। हेलो, हाय। सो दिस इज गेटिंग रियली बोरिंग नाउ, सो आई थॉट कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए। लेट्स प्ले अ गेम, किस और स्लैप गेम। गेम बहुत सिंपल है, हम दोनों में से सबसे पहले कोई भी एक वन से शुरू करेगा और तीन मैक्सिमम नंबर्स बोल सकते हैं। जैसे ये बोल सकती है 1, 2, 3 और मैं बोल सकता हूँ 4, 5, 6। इफ शी सेज 7, 8, 9 आई कैन से 10, 11, 12। हम में से जो भी 21 पर पहले पहुंचेगा ही और शी लूजेस। सो अगर ये जीतती हैं, तो ये मुझे आप सबके सामने थप्पड़ मारेंगी, और अगर मैं जीतता हूं तो आई गेट टू किस हर। फेयर? ओके कूल। ओके कूल, देन यू स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, she loses, I get to kiss her.
ये तो अच्छा हुआ कि दूसरे सीनियर्स ने किसिंग प्रैंक नहीं किए। यू नो व्हाट, मैंने ओवरहियर किया था, इनके इंटेंशंस बिल्कुल ठीक नहीं थे। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। किस लिए? किस ऑन द लिप्स की जगह किस ऑन द चीक्स के लिए। कोई दूसरा लड़का होता तो जरूर एक्सप्लॉइट करता, सो थैंक यू। थैंक यू कि तुमने मुझे बाकी लड़कों जैसा नहीं समझा। तो आपको हमारे कॉलेज का एक्सपेंशन प्लान कैसा लगा? प्लान तो बहुत एम्बिशियस है और इंटरेस्टिंग भी। आप जैसे एजुकेशनिस्ट आगे पढ़ें तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का फ्यूचर और भी ब्राइट होगा। ओके, लेट मी टॉक टू माय पार्टनर। मेरा बेटा आदित्य इस साल 99% स्कोर करेगा, स्टेट का टॉपर वही होगा। अगर ये हो जाता है तो मेरे लिए मेरे पार्टनर्स को समझाना बहुत ही इजी हो जाएगा। सुपर, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करे। ऑलराइट, आई विल टेक योर लीव नाउ। सो सी यू, आई होप टू सी यू वेरी सून। या मिस्टर खत्री। या ऑलराइट, बाय बाय। चंदन, अगर आप लोग भूल चुके हो तो मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, ये यूनिकॉर्न कॉलेज है। इस कॉलेज को उसकी एकेडमिक एक्सेलेंस से जाना जाता है। इंडिया के सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स ही यहाँ एडमिशन ले पाते हैं। हमारा कट ऑफ हमेशा हाईएस्ट रहा है। बाय द वे, मैंने तुम दोनों का स्कोर चेक किया, 97 and 98%। और तुम्हारी हरकत, क्या हरकत करते हुए तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें क्लास में पकड़ा? आपके बच्चे क्लासरूम में लव नोट्स एक्सचेंज करते हुए पकड़े गए। ये प्यार व्यार इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड बिफोर यू नो इट बी टू लेट। मैम, आई एम वेरी सॉरी के मेरे बेटे ने ऐसा किया। आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सॉरी मैम, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे मैम, सॉरी। अब तुम दोनों कॉलेज 2 महीने बाद ही आना। यू बोथ आर सस्पेंडेड। मैम सॉरी, मैम मैम प्लीज सॉरी। मैं राउंड के लिए जा रही हूँ एंड बाय द टाइम आई कम बैक मुझे तुम लोगों में से यहाँ कोई नहीं दिखना चाहिए। मैम सॉरी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी क्लास नहीं है? नेक्स्ट लेक्चर 30 मिनट्स में, और अभी हम लोग नोट्स लेने लाइब्रेरी में जा रहे हैं। ओके, यू कैरी ऑन। हैव अ नाइस डे मैम। भाई एक बात बता, बाकी स्टूडेंट सारे इस टाइगर से डरते हैं, और तू भी, आई मीन शी इज अ मॉम राइट? मॉम सबके लिए, मेरे लिए घर पे भी प्रिंसिपल ही है। उन्हें सिर्फ अच्छे मार्क्स चाहिए मुझसे, और मैं उन्हें देता भी और, पर जिस दिन वो मार्क्स अच्छे नहीं आए, she will treat me the same way जैसे उनको करती है। But dude, doesn't she love you or what? She loves me, पर उनके प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग है। Why are we talking about this? Come. मेरे नाना जी, बचपन में इन्होंने ही मुझे म्यूजिक सिखाया। He is my idol। अच्छा, प्रोफेशनल सिंगर थे क्या? नहीं, बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन कभी किसी को पता ही नहीं चला। वो हमेशा कहते थे कि मेरे थ्रू वो दुनिया से मिलेंगे। पता है मेरा भी यही सपना है, to be a professional singer one day। तो म्यूजिक में अगर तुझे इतना इंटरेस्ट है तो 12th में इतने मार्क्स कैसे लाई? गलती नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं?
अब मम्मी ने कहा उनके सारे फ्रेंड्स के बच्चे यहीं पढ़ते हैं, तो आई हैव टू क्रैक यूनिकॉर्न। बट यू नो टिल डेट आई हैव नो आईडिया ये मार्क्स आए कहां से। चलो मैं थोड़ा रियाज कर लूं, तू तब तक सुन। ओके यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मर। थोड़ा पानी देना। या थैंक यू। यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। थैंक यू कि तुमने मुझे बाकी जैसा। चल कॉलेज निकलते हैं, जल्दी से चेंज कर ले। यहाँ मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मैं तो एक्साइटेड हूँ कि जब ब्लॉग रेडी होगा ना तब। इरादे ठीक है ना तेरे? आई डोंट थिंक सो। टारगेट को ना अकेला करना जरूरी है, तभी मिशन पॉसिबल होगा। अच्छा लेकिन लाइब्रेरी में गन मत फैलाना। शट अप एंड लिसन। एक्सक्यूज मी। या आप रोहित है ना? या राइट। आपको ना अवनीश सर बुला रहे हैं। अवनीश सर कहाँ पे? स्टाफ रूम में। ओके मैं चलता हूँ यार, सी यू लेटर। ओके बाय बाय। I gotta go. I'll see you. I have a lecture to attend. बाकी का कब explain करोगे? कल इसी time पर library में। ये तो चला गया, कल तक कौन wait करेगा? अब क्या करूँ? सोचती आशा सोच। Excuse me. वो क्या है ना कि मेरी फ्रेंड का अभी टेक्स्ट आया, टेस्ट कल ही है, तो अगर आज ही एक्सप्लेन कर दोगे तो विल बी ग्रेट। पर आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आई एम रियली बिजी। ओके ये तो फिर से जा रहा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव योर नंबर? कुछ प्रॉब्लम ही तो आई विल कॉल एंड आस्क यू। Take care.
गुड आफ्टरनून मैम. अब तक तो इंस्टाग्राम पर मेरा वीडियो अपलोड भी हो गया, पर ये आदित्य फोन ऑन नहीं कर रहा. अच्छा एक बात बता, तू ये अपने सारे सिंगिंग वाले वीडियोस इंस्टाग्राम पे क्यों अपलोड करती रहती है? तू तो जानती है म्यूजिक इज माय पैशन. अब नाना जी इतने टैलेंटेड थे, लेकिन घर वालों को छोड़ के नोबडी न्यू अबाउट हिज टैलेंट. आज इतने चैनल्स है, इतने मीडियम्स है, तो क्यों ना अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाओ. इसलिए कीप अपलोडिंग माय सॉन्ग्स ऑन इंस्टाग्राम. किसी को अगर मेरा गाना पसंद आ जाता है तो आई फील वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड. ना बिल्कुल सही कर रही, अपने टैलेंट को ना केज करके नहीं रखना चाहिए. आई नो ये आदित्य ना फोन नहीं उठा रहा है. जब तक फोन नहीं उठा तब तक एक और गाना अपलोड कर लेती हूँ. नहीं चल मैं रिकॉर्ड कर. दुनिया छूना चाहे मुझको जैसे उनकी सारी की सारी मैं. सिमी हम इस वक्त हॉस्टल से निकल सकते हैं? मतलब काफी वक्त से हॉस्टल का पावर कट नहीं हुआ है. नो वे त्याशा. यस सिमी. तुझे कैसे पता आदित्य यही रहता है? प्रिंसिपल का बेटा है ना, उन्हें ही बताया था, तो ऑब्वियसली उसके साथ रहेगा ना. स्टुपिड. अरे हाँ. फोन ऑन नहीं करता लेकिन रूम की लाइटें जरूर ऑन है. हाँ यार इतनी रातें करता क्या है पता नहीं. क्या कर रही है? अरे और जो मैं उस एक लाइक का इंतजार कर रही हूँ वो कब मिलेगा? मैं क्या ही बुरी लगती हूँ? नहीं यार. अच्छा सुन, मैंने उसके बारे में ना सारी इन्फॉर्मेशन निकाली. उसकी ना कोई गर्लफ्रेंड नहीं. रियली? हाँ तो बस जा और उसे बोल दे व्हाट यू फील फॉर हिम. ऐसे कैसे, मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकती. तो यूज योर म्यूजिक ना. मतलब? देख म्यूजिक इज योर स्ट्रेंथ, तो यूज योर स्ट्रेंथ टू इंप्रेस हिम ना. ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा सुन जाया बिन तेरे से नाराज था दिल तू मिला है तू ये कह रहा मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी हूँ बस तेरी हो चुकी हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा
आई लव यू आदित्य. तुम बहुत अच्छा गाती होती आशा, पर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो मुझ पर. यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन मी. ना तो मुझे तुम में इंटरेस्ट है और ना ही कभी होगा. कोई दूसरा लड़का होता तो जरूर एक्सप्लॉइट करता. सो थैंक यू. आई लव यू आदित्य. आई एम सॉरी थी आशा, अगर मैं तुम्हें हाँ कह भी देता ना तो भी हमारी लव स्टोरी ना कंप्लीट नहीं हो पाती. क्या कर रहे हो आदित्य? कुछ नहीं मॉम, बस पढ़ रहा हूँ. गुड. I am really sorry, Tiara. I love you too, but मुझे नहीं पता माँ को क्या बताऊँ. She will never understand. उन्हें पढ़ाई और मार्क्स के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है. I really love you. तुम कहाँ पर हो अभी, मिल सकती हो? हाँ हाँ मिल सकते हैं. ओके आई एम कमिंग. पर कहाँ? हेलो हेलो आदित्य, मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ. इट्स जस्ट बिकॉज तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है. बट यू बेटर बी बैक ऑन टाइम. मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ कहो. क्या मैं अभी भी तुम्हें हाँ कह सकता हूँ? अभी भी कह सकते हो, 10 साल बाद भी कह सकते हो, अगले जन्म में भी कह सकते हो. बिकॉज आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू. तो मैं कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. आई लव यू तियाशा. I love you too.
65, not bad. तेरा कहाँ है? Physics, chem, music. Yes. क्या अर्थियासा? तीन पेपर्स में पास मार्क्स नहीं है. Reappear होना पड़ेगा. मुस्कुरा क्यों रही है? मार्क्स का मुझे क्या करना है? Music में टॉप आया है. I'm so happy. बाकी सब्जेक्ट्स गए दे लेने. क्या यार? कुछ भी तो. चल ठीक है, मैं मार्कशीट लेके आती हूँ. ओए सीनियर, क्या हुआ? मेरी लाइफ में पहली बार मेरे 85% आए हैं. 85 आए और शक्ल ऐसे बनाई जैसे 35 आए हो. तुम मेरी मॉम को नहीं जानती, मेरी बैंड बजा देंगे. कुछ नहीं होगा, तुम उन्हें समझा देना कि अगले सेमेस्टर में यू स्कोर द हाईएस्ट. ऑलराइट, आई एम श्योर वो समझ जाएंगी. व्हाट्स द प्रॉब्लम? मॉम नहीं समझेगी. इट इज इम्पॉसिबल टू मेक हर अंडरस्टैंड. तुम्हें पता है आदित्य, ये पिछले 10 साल में तुम्हारा सबसे गंदा स्कोर है. आई नो मॉम. व्हाट डू यू नो? मैंने यूनिवर्सिटी से कॉलेज को एक्सपैंड करने की बात की है. I told them my son is going to be a state topper. And this is what you give me. I'm sorry. What do you mean by sorry, Aditya? Mujhe janna hai, what is it? Na tum bimar ho, college ke lectures bhi tumne dhang se attend kiye. So aisa kya distraction tha jiski wajah se tum focus nahi kar paye ho? Mom, main next sem mein 95% se bhi zyada marks launga. I promise. Mom, 85 भी कम नहीं है. 90 is 90, Aditya. और 90 का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. I missed you, baby. कहाँ पर हो? आज आपको मिल सकते हैं? अब मुझे पता चला कि तुम्हारी ये मार्क्स कम क्यों आए. मॉम ऐसा नहीं है, तियाशा मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है. हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं. आई डिडंट इवन रियलाइज कि मेरा बेटा प्यार जैसी फालतू चीज में अपना टाइम वेस्ट कर सकता है. वैसे इस लड़की का रिजल्ट क्या है? मॉम सिंगिंग में बहुत अच्छा है, आई मीन टॉपर है, और 3 सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स है, पर वो रिपेयर करके दे देगी. मॉम तियाशा सिंगर बनना चाहती है. तो पढ़ाई कर भी क्यों रही है अगर उसे सिंगर बनना है? तो जब कॉलेज से वो बाहर निकलेगी ना, तब उसे पता चलेगा कि मार्क्स और डिग्रीज की क्या अहमियत होती है. लेकिन जब तक वो कॉलेज में रहेगी, लड़कों को डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी. मॉम तियाशा ऐसी लड़की नहीं है, मैं प्यार करता हूँ उससे. ठीक है, फिर इस बार तुम 95% मार्क्स लाओ और वो 90 मैं कुछ नहीं कहूंगी. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलोगे. एंड शी विल बी रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज. डिड आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू? I'm really sorry, I'm really sorry. मॉम का ना कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसलिए लेट हो गया मैं. Okay. Anyways, मैं ये बोल रहा था कि I will help you. I promise one thing that I'll help you in your studies. मैं तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी बहुत मदद करूंगा, पर तुम्हें भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस बार हायर मार्क्स स्कोर करोगी. अब तुम पढ़ाओगे तो ऑब्वियसली करूंगी. 90% से भी ज्यादा, प्रॉमिस? क्यों? 90% से कम आए तो प्यार कम हो जाएगा? नहीं ना? मैं तुम्हें सच कहूंगा तो तुम अपना म्यूजिक छोड़ दोगी.
and I can't let that happen. क्या हुआ? कुछ नहीं, पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है ना. ओफो, बाकी सबके बॉयफ्रेंड्स को देखो, आधी रात को हॉस्टल से भगाकर लेकर जाते हैं, मूवीज दिखाते हैं, रोमांटिक डिनर डेट्स पर जाते हैं, व्हाट नॉट. और यहाँ हमारा एग्जॉटिक एडवेंचरस प्लान क्या है? टू गेट 90%. वाओ, पर सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए. पर मुझे टॉपर थोड़ी बनना है. आई नो तुम्हें सिंगर बनना है, तुम्हें बहुत बड़ा सिंगर बनना है, दी सेंसेशनल सिंगर तियाशा. पर सोचो जब उसके साथ साथ लोग ये बोलेंगे कि क्या पढ़ाई करती है. वो भी है. Okay, I promise I will study. ठीक है, और वैसे भी मैं तो पढ़ाई करता ही रहता हूँ ना, ताकि मैं तुम्हें वो सब दे सकूँ फ्यूचर में जो भी तुम डिजर्व करती हो. Wait, are we planning our future year? Yeah. I love you so much. How do you love me like this? Aditya ने जो डील किया ना उसकी मॉम के साथ, I think he should go and tell Tiasha about it. तुम्हें पता है, Aditya Tiasha से सच्चा प्यार करता था. That is the reason why he didn't want her to compromise with her music because of him. But it was true love, ना? Obviously. अच्छा, अभी मेरे को जानना है कि तुम्हें क्या लगता है कि Tiasha को कितने marks? 90%, do you think? Let's see. Isn't it awesome? सबने कहा गाना बहुत सुधी है. क्या हुआ? Any problem? कुछ नहीं यार. कुछ तो है. तियाशा तुम समझोगी नहीं, एग्जाम्स चल रहे हैं और तुम म्यूजिक पर ध्यान दे रही हो. तो मुझे कौन सा टॉपर बनना है? वो काम तो आपका है सीनियर. तुम समझोगी नहीं, अगर तुम्हारे 90% ज्यादा नहीं आए ना तो कुछ नहीं. क्या बात है, विल यू टेल मी आदित्य? यार पिछले सेमेस्टर के एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बाद मॉम बहुत अपसेट हो गई थी, तो मैंने उन्हें बोल दिया कि तुम्हारे 90 और मेरे 95% से ज्यादा आएंगे, अदरवाइज शी विल नॉट एक्सेप्ट अस. तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं म्यूजिक छोड़ देती, थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करती, यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. म्यूजिक छोड़ देती रियली? Obviously, that's what I don't want. I don't want you to compromise on your passion, on your music. I can't be that selfish. I love you, Tiasha. I love you so much. The time is 9:00 p.m. अब देखो ना, यहाँ पर तो फिल्म ही नहीं आती, तो हो जाएगी थोड़ी देर में. Don't worry. All the best. टेंशन मत लो, सब सही होगा. Have trust in us.
आई नो। प्रियाशा और आदित्य, आप दोनों को प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है, चलिए आप लोग। तो तुम्हारा स्कोर 93% है और तुम्हारा प्रियाशा 88। वाओ आदित्य वाओ। तो आज से तुम दोनों एक दूसरे को नहीं मिलोगे। Did I make myself clear to you? Mom, 88 और 90 में क्या फर्क है? 90 is 90, Aditya, and do not argue with me. मैम, एक चांस और दे दीजिए, मैं डेफिनेटली 90 के ऊपर लाऊंगी। तुम्हें मैं कितने भी चांस दे दूँ ना, तुम फालतू गाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हो। I doubt कि तुम्हें पढ़ना लिखना आता भी है। नो 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 मॉम, तियाशा बहुत ही अच्छी सिंगर और वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी बनी। यार आई एम श्योर ऑफ दैट। इंस्टा हिट पर हजारों लोग उसी की वीडियो का वेट करते हैं कि कब उसका वीडियो आएगा, कब वो लोग देखेंगे। प्लीज मॉम, आई डू नॉट केयर। इन सब से कुछ नहीं होता है। प्लीज मॉम, जस्ट लीव। Tyasha, I don't know what to do. A promise is a promise. What? अब जो है उसे accept करना पड़ेगा। ओए हीरो, I love you. I will always do. I love you too. तूने एक हफ्ते से इंस्टा हिट पर अपने वीडियोस नहीं डाले, पता भी है कितने मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा लेट्स डू इट नाउ। तू ये पकड़ गिटार, मैं भी आई। हाँ चल शुरू हो जा। ट्राई कर, हो जाएगा। कोशिश कर रही हूँ। जब भी कुछ प्ले करने का ट्राई करती हूँ, आदित्य का चेहरा सामने। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए बहुत टफ है, पर मैं तुझे पहले जैसी प्रियाशा दिखना चाहती हूँ। प्लीज गा। ए मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार सुन, सदाए दे रही है मंजिल प्यार की,
जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना, बिन तेरे कहाँ है मंजिल प्यार की। चल अब मैं इसे अपलोड करती हूँ। ओके थैंक यू। यू नो आदित्य को ना तियाशा से वो डील के बारे में बात करनी चाहिए। तुम्हें पता है मुझे लगता है कि आदित्य चाहता था कि तियाशा और वो साथ में रहें और तियाशा का म्यूजिक भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। यू नो व्हाट आई मीन। अब दोनों का तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? फिर क्या होगा? लेट्स सी। तियाशा, तियाशा देख तेरे सैड सॉन्ग वाला वीडियो वायरल हो गया, कितने सारे लाइक्स एंड कमेंट्स आए। आपने अपने प्रेजेंटेशन में यूनिकॉर्न गर्ल के बारे में कुछ लिखा क्यों नहीं? अगर हमें ये पता होता कि यूनिकॉर्न गर्ल आपकी कॉलेज से है तो अब तक सारे के सारे फंड्स ट्रांसफर हो चुके होते। I'm sorry, Mr. Khatri, I'm not getting you. ये यूनिकॉर्न गर्ल कौन है? आपको नहीं पता? यूनिकॉर्न गर्ल जो कि इस वक्त इंस्टा हिट पर एक सेंसेशन है, न जाने कितने ही स्टूडेंट्स इस वक्त उसे अपना इंस्पिरेशन मान रहे हैं। आई थिंक उस लड़की का नाम तियाशा है। तियाशा? जी हाँ। देखिए मैम, हमारा जमाना तो अब रहा नहीं, और वैसे भी अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आई थिंक हमें अपनी कॉलेज को एकेडमिक एक्सीलेंस की आइडेंटिटी से बाहर निकालकर ओवरऑल एक्सीलेंस पर टैग करना चाहिए, न्यू टैलेंट्स को नर्चर करना चाहिए। जिसे एकेडमिक करना है वो एकेडमिक करे, और जिसे म्यूजिक डांस सिंगिंग में जाना है वो उसमें जाए। What do you say? Are you sure? Of course. हमें जमाने के साथ बदलना होगा प्रिंसिपल मैम। अगर इन बच्चों में टैलेंट है तो हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दो मैं आप लोगों की प्रिंसिपल हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने एक बात रियलाइज की है कि लाइफ में हम सब स्टूडेंट्स होते हैं। जिंदगी हमें रोज बहुत कुछ नया सिखाती है, और मेरी सबसे बड़ी सीख है कि हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। मुझे इस कॉलेज में 20 साल हो गए, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट मैंने इस टेन्योर में बहुत हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स को यहाँ से पास आउट होते हुए देखा, जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया। लेकिन आज वो हुआ है जो 20 साल में कभी नहीं हुआ। आज किसी ने अपने मार्क्स के बेसिस पर नहीं बट शेयर टैलेंट के बेसिस पर हमारे स्कूल का नाम फिर से रोशन किया है। तियाशा, कि मॉम को समझ आ गया कि तियाशा उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं है। क्या हुआ, कॉल पर मैसेज नहीं करती? फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस मुझे असाइनमेंट में हेल्प कर रही थी। ओके ओके। एनीवेज मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए भी नहीं। गर्लफ्रेंड क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी कोई है।
प्यारे तूने।